जी का एक और अवार्ड मेरे हाथ में है एंड आई केम एज अ टीचर सन नेहा बुराडिया एंड उर्मिला को मैं सच में थैंक यू कहूँगी एस्पिरेशन इवेंट्स के लिए, क्योंकि आज मैंने देखा शोज बहुत देखे और आई के नॉट कंपेयर ऑफकोर्स, लेकिन बींग अ प्रोड्यूसर मुझे जो चीज़ें अच्छी बोलनी चाहिए, जो अच्छी चीज़ें उनकी तारीफ हमेशा करनी चाहिए और उसमें कभी मैं पीछे नहीं हटती। नेहा, योर शो इज़ रॉकिंग, बहुत अच्छा शो है तुम्हारा और इसमें जो चीज़ें मैंने देखी फैशन की, जो इसमें मैंने मतलब अलग अलग जॉनर देखा, जो फैशन के तरीके हैं या डिज़ाइंस हैं, आई विल से कि सच में फैशन वही होता है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पहन सके। अपने बेडरूम में तो कोई कुछ भी कैसे भी रह सकता है, लेकिन फैशन वही है जो एक तरीके के साथ, नज़ाकत के साथ पहना जाए। और आपकी जितनी भी कंटेस्टेंटी सब ने, जिसने भी कोरियोग्राफ किया है आपका ये शो, इज यू नो माइंड ब्लोइंग। और थैंक यू नेहा कि मुझे शो में बुलाने के लिए, और मेरी वैल्यू बढ़ गई तुम्हारे शो में आने से, क्योंकि यू आर सच्चा डार्लिंग और तुमने पर्सनली सबको ग्रीट किया, ये हर कोई नहीं करता है। तो थैंक यू सो मच, मैं अपनी टीम के साथ हूँ आज और मेरी टीम हमेशा साथ में रहती है। थैंक्स टू माई टीम ऑफकोर्स एंड खबर 24 एंड आर एन टूडे, क्योंकि इनके सपोर्ट के बगैर चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। और आज मेरी टीम में मैंने क्यों हमारे मैनेजर एंड क्रिएटिव हेड और को भी ऐड किया, क्यों, क्योंकि एक टीम के साथ चलना अलग ही बात होती है। बाकी फैजल आप क्या कहेंगे? अभी क्या बोलूँ, इतना तो बोल दिया आप। मैं भी इस बार फिर से कुछ नहीं कहूँगा, बस आई विल हैंड ओवर टू अनदर पर्सन जो बहुत कुछ बोल देंगे मेरे खिलाफ। प्लीज, सबसे पहले नेहा और उर्मिला को कांग्रेचुलेशन फॉर दिस गुड इवेंट, एस्पिरेशन इवेंट, ग्लोबल और ग्लोबल ब्लेजिंग दीवा, बहुत ही अच्छा फैशन शो था और समथिंग यूनिक, समथिंग डिफरेंट जो हम रोज़मर्रा की चीज़ें देखते हैं, पहनते हैं, उसी को लेकर कॉन्सेप्ट करके इन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है। एंड हमारे जो अदर पार्टनर्स हैं, मोंटाज भी आए हुए हैं, क्योंकि उनका भी कॉन्सेप्ट है, वो भी हमारे इवेंट सेंटर में जुड़े हुए हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे स्पॉन्सर्स हैं इवेंट्स के, और हमारी जो इवेंट्स और भी इवेंट्स आने वाले हैं, तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग इवेंट्स। और वैसे भी ये शो अवार्ड, ये ऐसे फैशन शो है, आप गौर फरमाना कि जो मैंने इतने अच्छे वो पहने फैशन कपड़े, लेकिन अच्छा रहा ऐसे हम दोनों भाई बहन ऐसे बनते ना, सच में लगता ही, सच में वी आर सोल ब्रदर एंड सिस्टर। फिलहाल हिमेश प्लीज से कहना चाहोगे? मुझे आज ये शो में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये शो पहली बार मैं देख रहा हूँ कि ऐसे जोनर में हो रहा है जिसमें डिफरेंट स्टेट्स में सभी लोग आ रहे हैं। अच्छा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, एक छोटे सोशल वर्कर्स के हिसाब से भी हम लोग ने एक थोड़ा सा प्रमोट किया इसमें, वो भी बहुत देख के अच्छा लगा। तो मैं तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आकर, और मैम के साथ में आया हूँ, मुझे मैम का बहुत सपोर्ट रहता है, इसके लिए वेरी थैंकफुल मैम। एक कुछ बोलेंगे? एक और है, नेहा और उर्मिला ने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, मैं भूल गया बोलने के लिए, डिसेबिलिटी चिल्ड्रन, स्पेशल चाइल्ड, ये स्पेशल चाइल्ड, ये चाइल्ड जो होता है कि जब इनकी अलग स्कूल होती है, जब मैं कहना चाहूँगा बिकॉज आई वर्क ऑन दिस सब्जेक्ट, कि मेरे खुद फैमिली में ये केस है, तो आई वर्क ऑन द सब्जेक्ट, तो मैं कहना चाहूँगा कि स्पेशल चाइल्ड जो होता है, ये लोगों को अगर ट्रेनिंग करो, कुछ माँ बाप जो होते हैं वो लोग ट्रेनिंग नहीं करते अपने बच्चों को, बोलते हैं कि ये अपाई जाइए, उनको सब रख देते हैं, बट दे नीड गुड ट्रेनिंग, दे नीड गुड स्कूल, क्योंकि उनकी अलग स्कूलिंग होती है, देन आप देखो बच्चे खुद एक मिसाल डिपेंडेंट हो जाते हैं लोगों के लिए। सो आई वुड विल गेट स्पेशल चाइल्ड, ये भी हमारी तरह होते हैं, बट दे नीड सम ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, और मैं उन पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अपने बच्चों को एक्सेप्ट करो, जो माँ बाप उनकी सेवा करते हैं वो रियली दे गो ऑन द टॉप। क्यों कहते हैं कि स्पेशल है, स्पेशल चाइल्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि दे आर स्पेशल, उन्होंने ऊपर वाले को स्पेशल बना के भेजा उन्हें, तो प्लीज उनको इग्नोर ना करें, एंड आई थिंक वो ये दे एंड दे आर पार्ट ऑफ अ सोसाइटी एंड दे आर डूइंग अ मच, दे आर मोर डिजर्विंग पर्सन इन दिस वर्ल्ड नाउ। नेहा मैम आइए, चिराग जी रहेगा, चिराग जी कल मैं सिर्फ थैंक यू बोलूंगा मैम को, नेहा मैम को जो हमारे साथ ज्वाइन करने वाली है। एंड आई रियली अप्रिशिएट नेहा मैम की, इन्होंने इतना अच्छे से इन्होंने प्रोग्राम आज रखा है, इन्होंने पूरा इवेंट रखा है स्पेशल डेडिकेटेड टू आवर स्पेशल चाइल्ड, आई थिंक ये बहुत कम लोग करते हैं स्पेशल चाइल्ड के लिए। नेहा सच में शी इज बाय हार्ट वेरी वेरी क्लीन एंड प्योर सोल, और कहते ना रियली थैंक यू नेहा कि तुम मुझसे मिली, बहुत शोज किए मैंने लेकिन तुम्हारा शो हिट है, मेरे लिए बहुत हिट है, क्योंकि तुम्हारा शो में जो तरीके देखा मैंने, वो अदाएं और जो नज़ाकत देखी ना,
बहुत शोज आते हैं, मैंने फिर कहा मैं कंपेयर नहीं करूंगी, लेकिन नेहा के जो शो, नेहा बुराड़िया का जो एक्सपीरियंस इवन वो है, इट्स वेरी डिफरेंट, और हमारे कल्चर को ऐसे शो जरूर जिंदा रखते हैं। थैंक यू, थैंक यू। अब ये कंटिन्यू करते रहे स्पेशल is happening just because of her. No. She is beautiful inside out. She is true diva. Thank you so much. Thank you. आज हमारे साथ है हमारे बहुत खास मोंटास जो ब्रांड है, और वो क्या ब्रांड है, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम फॉर अदर्स, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में फैशन एवरीथिंग देखते हैं, बट ये जो चीज़ लेकर आए हैं ही इज़ फ्रॉम पुणे, मिस्टर मयूर श्रीवास्तव, एंड थैंक यू मयूर फॉर दैट यू केम फ्रॉम पुणे, इतने लंबे से दूर से आप आए और नेहा बुराड़े के इस एस्पिरेंस इवेंट में, और थैंक यू फॉर दिस बाय हार्ट आई एम टेलिंग यू, एंड जस्ट थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल इराम फॉर कॉलिंग मी यार। सो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बट टेक्नोलॉजी के बारे में कोई सोच नहीं रहा है, तो वी आर यू नो ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स, तो हम सोच रहे हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो कि दुनिया का पूरा फ्यूचर होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे कि इवन यू नो बस के टिकट्स, आधार की इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल का डेटा, देन स्टडीज़ का एजुकेशन सिस्टम इसमें आ रहा है, देन मेडिकल इस पर आ रहा है। सो वी थॉट दैट यू नो कि कुछ अलग चीज़ करेंगे जिससे वी विल गिव सपोर्ट टू ऑल एज ऑफ ग्रुप, लाइक यू नो चिल्ड्रंस, मिडिल एज, इवन दी एडल्ट पीपल यू नो हु आर इन टू गेमिंग इंडस्ट्री। तो हमने ब्लॉकचेन का एक आधार लेके वी हैव डेवलप्ड अ गेम विच विल सपोर्ट दी क्रिप्टो करेंसी, और इसके सहारे लोग प्ले टू अर्न, एक टेक्नोलॉजी के हिसाब से पीपल विल स्टार्ट अर्निंग मनी, एंड ऑल्सो ये लूडो गेम एक इंडिया से हम वी आर गोइंग ग्लोबल, सो एक अपना ब्रांड बनेगा यू नो विच विल बी हाईलाइटेड ओवर द ग्लोब, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो वी हैव दिस टीम एंड द डेवलपर्स आर फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ। यस, सो लूडो एक ये पहली ऐसी गेम होने वाली है जिसमें पीयर टू पीयर विदाउट एनी इंटरफेरेंस, विदाउट एनी क्रॉस बॉर्डर, जैसे आप इंडिया में जानते हो कि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स दे हैव बैंड प्लेइंग द गैम्बलिंग गेम्स, तो हमने ये बीच का इवेंट ही निकाल दिया, तो ग्लोबली पीपल सिटिंग एनी वेयर दे कैन प्ले, दे जस्ट नीड टू कनेक्ट देयर वॉलेट्स, और क्रिप्टो करेंसी MNTG जो हमने बनाया है, हमारा टोकन है विच इज़ ट्रेडिंग ऑन द एक्सचेंजेस फ्रॉम सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलिया, तो इस टोकन को लेकर के वो गेम खेल सकते हैं, इट वुड बी अ सोर्स ऑफ अर्निंग टू यू नो पीपल हु आर गैम्बलर बेसिकली और अ गेमर। नहीं, अभी आप अगर देखोगे कि इट्स ऑलवेज बीन, इट्स नॉट लीगल, इवन इट्स नॉट इलीगल, तो देर इज़ नो, आई विल से दैट देर इज़ नो एक्चुअल रेगुलेशंस जो कि डिस्क्राइब करेगा कि क्रिप्टो करेंसी को कैसा देखा जाएगा, बट यस गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि यू नो इफ़ यू आर ट्रेडिंग दे आर टेकिंग द TDS, दे आर अप्लाइड टैक्सेशन एज वेल, सो वी कांट से दैट इट्स इलीगल इन इंडिया। ऑफ कोर्स इतना मेरे को इंटरेस्ट जगा दिया है, जुनैद भाई ने मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, माय जुनैद भाई इज़ वेरी नोन, मतलब उनको इन सब में बहुत अच्छे से नॉलेज है, इन्होंने मुझे बताया भी था एक टाइम पे, जयपुर के कुछ लोगों ने, मिस्टर पुनीत जी उन्होंने मुझे बताया था, तो अभी मेरा इंटरेस्ट सीरियसली जग गया, एंड दिस मैन ऑफ कोर्स टेकिंग माय इंटरेस्ट अबाउट क्रिप्टो करेंसी, जानना चाहिए लोगों को, नई चीज़ है ऑफ कोर्स, और नई चीज़ को अपनाना चाहिए, और जितनी चीज़ें अब कहते हैं ना क्रिप्टो करेंसी इज़ लाइक इट विल बी पेपरलेस और जो भी है, आई डोंट नो हाउ आई एम टेकिंग दिस, बट इट गोना बी अ बूम फॉर इंडिया, और हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो वैसे भी इसको सपोर्ट किया है, और वो हमेशा अच्छी चीज़ को सपोर्ट करते हैं, तो ऑल द बेस्ट मयूर फॉर योर मोंटास ब्रांड एंड योर क्रिप्टो करेंसी वर्क, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, आज मेरे साथ हैं अक्षय शेट्टी जी, जिनको आपने काफ़ी फिल्मों, टीवी सीरियल में बहुत जगह देखा होगा, एंड ऑफ कोर्स इज़ माय फेवरेट आल्सो, यूनिवर्स सब कुछ करता है, तो मैं इनको हमेशा देखती थी, मैंने कहा कभी तो टाइम आएगा लोग से मिलने का, ऑफ कोर्स बीइंग अ प्रोड्यूसर आई मस्ट से दैट सबकी कदर करनी चाहिए, एंड ऑफ कोर्स ही इज़ विद अस, सो फिंगर क्रॉस फॉर आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट, कि हम चाहते हैं कि ये ज़रूर हमारी फिल्म में आए। डेफिनेटली इफ यू गिव मी द अपॉर्चुनिटी आई वुड लव टू वर्क, एंड इट्स एन ऑनर, हिंदी इंग्लिश में बात करूँ, इंग्लिश में बात कर लीजिए। इट्स एन ऑनर टू बी हियर, एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू बी हियर, एक्चुअली आई वॉज नॉट वेल, बट
I made it a point that I reach here because this event was, very special to me. I know Urmila and I know Neha and now I know Iram. So, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके and I hope and wish everyone all the best. सब अच्छा जाए. Thank you so much.